हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री का वैदिक एज टॉपिक को आज हम लोग कवर करेंगे। जैसा कि तुम लोग देख चुके हो कि हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री अभी कवर कर रहे हैं। एंशिएंट हिस्ट्री में हम लोग तुम लोग जैसा कि देख चुके थे एंशिएंट हिस्ट्री में हम कैसे स्टार्ट किए थे, यहाँ पे हम लोग स्टार्ट किए थे, ये ओरिजिन पीरियड था। एंशिएंट हिस्ट्री में हम लोग क्या क्या देख चुके थे, ओरिजिन टू स्टोन एज के बारे में यहाँ पे, जिसको जिसको ओरिजिन को जिसको कि स्टोन एज बोला जाता है। तो एंशिएंट हिस्ट्री में हम लोग क्या कवर कर चुके थे, स्टोन एज कवर कर चुके थे। स्टोन एज जो कि इसका पीरियड फ्रॉम कह सकते हो कि 5 लाख ईयर्स गो से कि तो इसको तुम कह सकते हो 2500 BCE तक चलता है। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ देखे थे 2500 BCE, यहाँ से इंडस वैली सिविलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है और ये चलता है अप टू 1500 तक चलता है, 1500 BCE तक चलता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन 2500 BCE से लेके 1500 BCE तक चलता है और 1500 से यहाँ से फिर इसका वैदिक एज स्टार्ट हो जाता है, जो कि वैदिक एज चलता है 500 BCE तक चलता है, BCE तक चलता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग वैदिक एज के बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे। वैदिक एज के बारे में स्टडी करते हैं, इसका पीरियड तुम अगर देख सकते हो तो यहाँ पे इसका पीरियड है 500 BCE to 1500 BCE। वैदिक एज का पीरियड, इसको आर्यन एज भी कहा जाता है। वैदिक एज को आर्यन एज भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ से आर्यन आए थे और आर्यन लोग ही वैदिक एज को लेकर आए थे, इसलिए इसको आर्यन या फिर वैदिक एज कहा जाता है। वैदिक एज का पीरियड है 1500 BCE to 500 BCE तक चलता है और वैदिक एज को दो पार्ट डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट वन इज अर्ली वैदिक एज और इसका पीरियड होता है 1500 to 1000 BCE तक, ये अर्ली वैदिक एज है। और द सेकंड पार्ट इज लेटर वैदिक एज, इज लेटर वैदिक एज जो जिसका पीरियड है फ्रॉम 1000 to 500 BCE तक इसका पीरियड है। तो हम लोग वैदिक एज में को दो पार्ट में स्टडी करेंगे। फर्स्ट पार्ट इज नोन एज अर्ली वैदिक एज एंड द पीरियड ऑफ अर्ली वैदिक इज फ्रॉम 1500 to 1000 BCE एंड द सेकंड वन इज लेटर वैदिक एज एंड द पीरियड ऑफ लेटर वैदिक एज इज 1000 to 500 BCE। नाउ हियर द क्वेश्चन इज दैट व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ वैदिक एज। जैसा कि हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट पढ़ना स्टार्ट किए थे तभी हम लोग जाने थे कि सोर्सेज हिस्ट्री है जो हो सोर्सेज के आधार पे पढ़ा जाता है। तो देयर आर टू टाइप ऑफ सोर्सेज हम लोग डिस्कस कर चुके थे, लिटररी एंड द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। तो यहाँ पर जो वैदिक एज है यहाँ के इस टाइम तक लोगों को काफी कुछ पढ़ना सीखना लोग सीख गए थे। तो सोर्सेज ऑफ द वैदिक एज, यहाँ पे सोर्सेज यहाँ पे लिटरेचर है, लिटरेरी सोर्सेज यहाँ पे मेनली जो सोर्सेज है, यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज नहीं मिला है। द सोर्सेज ऑफ द वैदिक एज इज ऑफ लिटरेरी सोर्सेज, लिटरेरी सोर्सेज मिला है जो है। द मेन सोर्सेज ऑफ द वैदिक एज इज द ऋग्वेद, ऋग्वेद इज द मेन सोर्सेज, ये जो है ऋग्वेद इज द मेन सोर्सेज ऑफ वैदिक एज। वैदिक एज के बारे में जो सबसे ज्यादा जो हमें जानकारी देता है, मेनली जो अर्ली वैदिक एज के बारे में जो सबसे ज्यादा हमें जानकारी देता है वो ऋग्वेद है। वेद को तुम वेदा को विद भी बोला जाता है, ऋग्वेद जो हम जैसे बोलते हैं कि विद, विद मीन्स टू गिव और टू नो नॉलेज, मतलब नॉलेज को जानना या फिर टू गिव नॉलेज, विद मीन्स टू नो और गिव नॉलेज। तो ऋग्वेद इज द इम्पोर्टेंट source to which gives lots of information about the early Vedic age। इसके बाद ये जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में जो श्लोक लिखे हुए हैं, ऋग्वेद में कहा जाता है कि 1200 श्लोक्स में ये लिखे गए हैं जो हमें काफी कुछ इंफॉर्मेशन बताता है अर्ली वैदिक एज के बारे के लोगों के बारे में। क्या इंफॉर्मेशन बताता है, लाइफ ऑफ द सोशल लाइफ ऑफ द ऋग्वेदिक पीपल्स, पॉलिटिकल लाइफ बताता है कि पॉलिटिकल लाइफ उसका कैसा था, इकोनॉमिकल लाइफ बताता है कि उसका कैसा था,
इस तरीके से ऋग्वेद है ये हमें काफी कुछ इस तरीके का इन्फॉर्मेशन हमें बताता है ऋग्वेद के अर्ली अर्ली वैदिक पीपल के बारे में, सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिकल ये सभी इंफॉर्मेशन देता है। साथ ही साथ ऋग्वेद है, ऋग्वेद इज अ कलेक्शन ऑफ 10 मंडल है, ये भी कहा जाता है कि दैट ऋग्वेद इज अ कलेक्शन ऑफ 10 मंडल। 10 मंडल मीन्स द कलेक्शन ऑफ 10 बुक है। ऋग्वेद कोई एक बुक नहीं है, ऋग बुक में साथ ही साथ एक बुक में 10 बुक है और वो 10 बुक को मंडल बोला जाता है। तो दिस ऋग्वेद इज अ कलेक्शन ऑफ 10 बुक विच गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द वैदिक एज। ऋग्वेद आल्सो ये ऋग्वेद ये भी बताता है कि जो अर्ली वैदिक है एज है ये इंडस इंडस रिवर्स के किनारे ये जो सिविलाइजेशन था जो एज स्टार्ट हुआ था यहाँ पे स्टार्ट इसका हुआ था, इन इंडस रिवर के पास इसका स्टार्ट हुआ था। एंड इट्स ट्रिब्यूटरी इसके ट्रिब्यूटरी के आसपास ये सिविलाइजेशन इंडस ये वैदिक एज स्टार्ट हुआ था। ट्रिब्यूटरी मीन्स वाटर, जो बड़ी नदियां होती है उसे जो छोटी नदियां निकल के आती है उसे ट्रिब्यूटरी कहते हैं। तो वैदिक एज का जो इस एग्जिस्टेंस है जो इस्टेब्लिशमेंट है ये कह सकते हो कि तुम ये कह सकते हो, ये ऋग्वेद हमें बताया है कि ये वैदिक एज का जो एग्जिस्टेंस है एस्टेब्लिशमेंट है ये इंडस वैली और इसके ट्रिब्यूटरीज के आसपास ही हुआ है। इसका जो इकोनॉमिकल जो कंडीशन है ऋग्वेद का ये कैटल बेस्ड इसका इकोनॉमिक ऋग्वेद ये बताता है कि इसका ऋग्वेद इकोनॉमिकल कंडीशन है। ऋग्वेद इज ऑफ टू टाइप्स, तुम जानते हो कि ऋग्वेद है वो 4 ऋग्वेद है। द फर्स्ट वन इज वेद इज ऑफ 4 टाइप्स, ऋग्वेद है पहला है, ऋग्वेद है ऋग्वेद जो कि अर्ली वैदिक एज में के बारे में बताता है। इसके बाद 3 और वेद आए, कौन कौन सा आया, सामवेद आया, उसके बाद फिर यजुर आया, अथर्ववेद आया, अथर्ववेद आया। इस तरीके से ये जो 3 है ये लैटर वैदिक एज में आया है, ये लैटर वैदिक एज में ये तीनों जो वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद जो अर्ली वैदिक एज में आया है और सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद ये लैटर वैदिक एज में आया है, जो काफी कुछ ये भी अर्ली लैटर वैदिक एज के बारे में बताता है। आगे हम इसमें ये देखते हैं कि ओरिजिन ओरिजिन कहाँ से है, ओरिजिन ऑफ वैदिक एज के बारे में, इसकी कहाँ से ओरिजिन होती है, कहाँ से एग्जिस्टेंस होती है, ये हमें कैसे पता चलता है, इसके बारे में हम लोग थोड़ी जानकारी लेते हैं। इसमें मल्टीपल थ्योरीज है वैदिक एज के बारे में कि आर्यंस कहाँ से आए, वैदिक एज का क्या एग्जिस्टेंस है, कैसे एग्जिस्ट हुआ, इसके पीछे मल्टीपल थ्योरीज है। कई कई आर्कियोलॉजिकल कई जो हिस्टोरियंस थे कई अपने तरीके से बताते हैं। जैसे मैं कह सकते हो जो फर्स्ट जो है जैसे कि बाल गंगाधर तिलक है, बाल गंगाधर तिलक है ये बताते हैं, बाल गंगाधर तिलक है ये बताते हैं कि जो आर्यस लोग हैं ये आर्टिक रीजन से आए हैं। इनका कहना है कि ये जो आर्यन सत्य हैं ये आर्टिक रीजन से आए हैं और इन्होंने ही इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन करने के बाद, उनको हटाने के बाद यहाँ पे इंडस और इसके ट्रिब्यूटरीज में अपना स्थापना करते, एग्जिस्टेंस होते हैं। फिर और भी कई मल्टीपल थ्योरीज है, कई लोग जैसे बताते हैं कि ये जर्मनी से आए हैं, कई लोग बताते हैं कि ये तिब्बत से आए हैं, कई लोग सॉस के लोग बताते हैं कि यूरेशिया के साइड से, यूरेशिया मतलब क्या, यूरोप और एशिया के जो बीच का जो साइड है वहां से इसकी आगमन होता है। इसका तो इस तरीके से तुम कह सकते हो कि इसका कोई अभी सटीक कुछ वैसा एग्जैक्ट कुछ एक सही नहीं कहा जा सकता है कि फ्रॉम वेयर द आर्यन हैज केम, इसके मल्टीपल रीजंस में ये सभी रीजंस निकल के आता है। लेकिन कह सकते हो कि वैसा कुछ इसका फिक्स नहीं है तो तुम इसकी जगह रख सकते हो। इसके बाद इस थ्योरी के बाद तुम यहाँ पे यूरेशिया बताता है,
इन इंडिया, और ये जो एग्जिस्टेंस कहा जाता है कि जो आर्यंस लोग थे ये इंडिया में 1500 BC में इंटर करते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन को, सिंधु घाटी सभ्यता को हटाकर आर्यंस लोग 1500 BC के लगभग में इंडिया में इंटर करते हैं, और इसके बाद फिर इनको इंडिया के कल्चर को, लैंग्वेज को अपनाते हुए इस तरीके से इसको फिर इंडो आर्यंस के नाम से जानने लगते हैं, इंडो आर्यंस के नाम से जानने लगते हैं, और फिर यहाँ से संस्कृत का डेवलपमेंट होता है, संस्कृत लैंग्वेज का डेवलपमेंट, यहाँ से फिर लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है, संस्कृत लैंग्वेज का यहाँ पे यहाँ से डेवलपमेंट होता है। तो इसकी एग्जिस्टेंस तुम कह सकते हो स्टार्टिंग फ्रॉम 1500 BC से होता है, और इसको इंडो आर्यन इसलिए करते हैं क्योंकि इंडिया के सभी कई कल्चर को अपनाने लगे थे, इसलिए इसको इंडो आर्यन कहा जाता है, यहाँ से संस्कृत का ओरिजिन होता है। ऋग वेद और द अर्ली वैदिक, अब हम लोग आगे जैसा कि तुम देखो कि वैदिक एज दो तरीके का है, अर्ली एंड लेटर वैदिक एज, तो इसमें हम लोग अब आगे देखते हैं अर्ली वैदिक एज, अर्ली वैदिक एज एंड द पीरियड इज फ्रॉम 1500 to 1000 BCE है, इसका ये पीरियड है। ठीक है, अभी हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, अभी हम लोग अर्ली वैदिक एज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। द चीफ सोर्सेज ऑफ अर्ली वैदिक एज इज, अभी हम लोग को देखिए किसका सोर्सेज क्या है, ऋग्वेद इज द मेन सोर्सेज और सोर्सेज लिटररी सोर्सेज विच गिव्स इनफॉरमेशन अबाउट द अर्ली वैदिक एज। दिस ऋग्वेद टॉक्स अबाउट द ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ द आर्यंस, ये क्या बताता है, ये हमें ज्योग्राफिकल लोकेशन के बारे में बताता है, आर्यंस के एग्जिस्टेंस और इसके ज्योग्राफिकल रीजन कि कहां से कहां तक ये लोग का एग्जिस्टेंस था, ये लोग रहे थे, ये ज्योग्राफिकल रीजन भी बताता है, ऋग्वेद बताता है। आर्यंस वर मेनली कन्फाइंड टू द इंडस रीजन, आर्यंस जो थे मेनली वो इंडस रिवर के पास और इसके ट्रिब्यूटरीज के पास इन लोग का एग्जिस्टेंस था, और ऋग्वेद को सब सिंधु भी बोला जाता है, ऋग्वेद को सब सिंधु मीन्स कलेक्शन ऑफ सेवन, इट मीन्स द लैंड ऑफ सेवन रिवर, इसको सप्त सिंधु बोला जाता है, इसको ऋग्वेद को सप्त सिंधु मतलब लैंड ऑफ सेवन रिवर, लैंड ऑफ सेवन रिवर, ऋग्वेद को सप्त सिंधु बोला जाता है, इट मीन्स द लैंड ऑफ सेवन, सेवन सात नदियों का जो समूह है उसको ऋग्वेद बोला जाता है, जैसे में कौन झेलम हो गया, चेनम हो गया, रबी, सतलज, इंडस, और जो सरस्वती जो है लास्ट, वो जैसे कि जानते हो कि सरस्वती विलुप्त हो गई, लॉस्ट हो गई है, तो इस तरीके का ये जो ऋग्वेद है सप्त सिंधु लैंड ऑफ सेवन रिवर्स को कहा जाता है। आगे इसका हम अर्ली वैदिक एज के बारे में, इसकी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अर्ली वैदिक एज का, इसका पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस देखते हैं, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसका पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, इसमें ऋग्वेद हमें ये बताता है कि लोग जो थे यहाँ पर गांव में रहने लगे थे, जब सभ्यता डेवलप हो गया तो लोग फैमिली में, सबसे पहले लोग फैमिली बनाने लगे, फैमिली बनाने लगे, इसको सबसे पहले लोग फैमिली में रहने लगे, कई लोग ग्रुप में एक साथ रहने लगे, जिसको को इसको ग्रुप में रहने लगे, एक साथ रहने लगे, फैमिली बनाने लगे, अपना परिवार बनाने लगे, तो इसको ये फैमिली का इसको कोलू बोला जाता था। यहाँ पर अर्ली वैदिक ऋग्वेद बताता है कि लोग फैमिली में रहने लगे थे, इसको कोलू बताया जाता है। इसके बाद फिर जब फैमिली में लोग रहने लगे तो कई फैमिली मिलकर एक गाँव का निर्माण करता था, एक गाँव का निर्माण करता था जिसको ग्राम बोला जाता था, कई फैमिली मिलकर ग्राम बोला जाता था, और इसके जो मुखिया थे वो ग्रामीणी बोल, वो ग्रामीणी हुआ करते थे, ये जो किंग थे ये किंग थे, ये फैमिली है। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे जब मेनी फैमिली एक साथ रहता है तो गांव बनाता है, तो इस तरीके से गांव को ग्राम बोला जाता था, और ग्राम का जो मुखिया जो किंग हुआ करता था उसको ग्रामीणी बोला जाता था, और जब ये जब फैमिली जब जब दो तीन गांव एक साथ मिलता है, जब कई गांव मिलता है तो उसको ये लोग विशु मतलब उसके बाद डिस्ट्रिक्ट बनता था जिसको कि विशु बोला जाता था, जिसको कि विशु बोला जाता था, वहां का जो राजा था उसको विशु, उसको विश्यापति, विश्यापति बोला जाता था, जो राजा था
ये जो किंग था उसको विश्यापति कहा जाता था। ये जो था ये जब कई गांव मिलके ये डिस्ट्रिक्ट बनता था, यहाँ पे ये डिस्ट्रिक्ट बनता था और यहाँ डिस्ट्रिक्ट बनता था, और डिस्ट्रिक्ट के बाद तुम कह सकते हो कि इसके बाद फिर यहाँ पे कई डिस्ट्रिक्ट जब मिलके तो स्टेट बनता था। वो उस टाइम स्टेट तो नहीं हुआ करता था, पर वहां पे जन बनता था, उसको ट्राइब भी लोग कहा जाता, ट्राइब या फिर कह सकते हो कि जन जन कहा जाता था। और इसके जो राजा थे उसको इसके जो किंग थे उसको राजन कहा जाता था, जो किंग थे उसको राजन कहा जाता था। यहाँ पे मेनी डिस्ट्रिक्ट एक साथ मिलकर एक स्टेट, एक ट्राइब, एक जन बनाया करता था। तो देखिए कि हम यहाँ पे कैसे देखो पॉलिटिकल इसका ऑर्गेनाइजेशन कैसे हुआ अर्ली वैदिक एज में। पहले लोग एक परिवार में रहने लगे, जिसको कुलू बोला जाता था। जब कई परिवार एक साथ मिला तो एक गाँव बना जिसको ग्राम बोला जाता था, उस ग्राम थे उसको ग्रामीणी कहा जाता था। और जब कई गांव एक साथ मिलते हैं, जैसे कि अभी तुम अभी जिससे कैसे सोसाइटी का डेवलपमेंट होता हुआ है उसी तरीके से पहले भी था, तो कई गांव मिलकर एक डिस्ट्रिक्ट बनाया करता था और इस डिस्ट्रिक्ट को विशु बोला जाता था। और जो इसके जो राजा थे इसको विश्यापति कहा जाता था। और कई डिस्ट्रिक्ट मिलकर एक ट्राइब जन बनता था, एक जन बनता था जिसको कि जिसके जो राजा होते थे, जिसके जो किंग होते थे वो राजन होते थे। और यही जन जब और भी जब ज्यादा बड़ा तो उसको जनपद बोला जाता था, और जब उससे कई जनपद को मिलकर महाजनपद बोला जाता है, जिसको कि आगे हम लोग आगे देखेंगे। इस तरीके का इसका पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन डेवलप होता है अर्ली वैदिक एज के बारे में। लोग इस सोसाइटी में रहने लगे थे, विलेज बनाने लगे थे, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट बनाने लगे, उसके बाद जन जन बनाने लगे। और जन में का जो मुखिया था वो राजा था। और ये जो राजा था वो अकेले काम नहीं करता था, जो जन का जो मुखिया था वो राजन था, वो अकेले काम नहीं करता था। इसका अपना एक बॉडी हुआ करता था, इसकी एक बॉडी हुआ करता था जो उसको हेल्प करता था सभी कामों में। जैसे में कौन कौन सा बॉडी हुआ करता था, सभा हुआ करता था और समिति हुआ करता था। साथ ही साथ इसका एक और बॉडी हुआ करता था विधाता, इसका एक और बॉडी हुआ करता था विधाता हुआ करता था। तो इस तरीके से राजन जो हुआ करते थे जन के, ये काम नहीं करते थे, इनका एक बॉडी हुआ करता था और ये बॉडी सभा, समिति और विधाता, ये तीन बॉडी था जो कि राजा को मदद करता था सभी कामों को करने में, डिसीजन को लेने में, डिसीजन के बारे में मैटर के बारे में डिस्कस करने में। तो ये तीनों सभा, समिति और विधाता राजन को कलेक्टिवली मदद करता था और हेल्प करता था एक्टिविटीज को करने में। पॉलिटिकल के लाइफ के बारे में हम लोग जानेंगे। सोसाइटी कैसा था, सोसाइटीज अर्ली वैदिक एज का, सोसाइटी कैसे लोग रहते थे, किस तरीके की सोसाइटी वहां पे डेवलप था अर्ली वैदिक एज में। कि अब हम लोग देखते हैं कि अर्ली वैदिक एज में सोसाइटी कैसा डेवलप था। यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे वर्णा सिस्टम का ओरिजिन हो जाता है। वैदिक एज में देखोगे कि यहाँ पे वर्णा सिस्टम का ओरिजिन हो जाता है। वर्णा सिस्टम मीन्स द ऑक्युपेशन, ये जो वर्णा सिस्टम था ये ऑक्युपेशन के हिसाब से लोगों का डिवाइड करता था। तो यहाँ पे वर्णा सिस्टम का ओरिजिन हो जाता है। यहाँ पे अर्ली वैदिक एज में सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 3 वर्णा सिस्टम, और यहाँ पे 3 वर्ण सिस्टम डेवलप हो जाते हैं। पहला में ब्राह्मण्स, द सेकेंड वन इज क्षत्रियज एंड द वैश्याज इस तरीके से वर्णा तीन जो वर्णा सिस्टम था, ये 3 वर्णा सिस्टम में ग्रुप हो गया था। ब्राह्मण जो थे ये एजुकेटेड पीपल्स हुआ करते थे, एजुकेटेड नॉलेजेबल पीपल हुआ करते थे, जो नॉलेज इकट्ठा करते थे और देते थे। जैसे में ब्राह्मण, पुजारी, इस तरीके के लोग यहाँ पे आया करता था, जो केवल पूजा पाठ हवन इन्ही लोग केवल करते थे। दूसरा क्षत्रिय जो लोग होते थे जो वार करते थे, युद्ध करते थे। और तीसरा जो वैश्य, वो ट्रेडर्स, व्यवसाय वगैरह क्या करते थे, मर्चेंट्स, पीजेंट्स, इस के ग्रुप में जो लोग हुआ करते थे, जो काम करते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये 3 ग्रुप में लोगों को बात करके वर्णा सिस्टम स्टार्ट किया गया था। वैश्य
द वर्क वर्ण वाज डिवाइडेड बाई द, और यहाँ पे जो वर्ण यहाँ पे बर्थ के अनुसार लोगों का डिवीजन नहीं हुआ करता था, बेस्ड ऑन द ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन के हिसाब से लोगों का डिवीजन हुआ करता था, वर्ण सिस्टम के अनुसार हुआ करता था। तो ये तीन वर्ण सिस्टम होता था। आउटसाइड द वर्ण पीपल वेयर ऑल्सो यूज टू लिव नोन एज द दास। यहाँ पे वर्ण से जो वर्ण सिस्टम है इसके अलावा भी अलग लोगों का ग्रुप था, जैसे जैसे कि तुम देख सकते हो दासा, दासा का भी ग्रुप लोगों का था, या दासा एंड दास्यो, दासा एंड दास्यो इसको, और पानी भी कहा जाता, और पानी पानी दीज आर द दोज पीपल, ये लोग ऐसे पीपल हुआ करते थे जो कि वर्णा सिस्टम में वर्णा ग्रुप में नहीं हुआ करते थे, ये लोग नीचे के लोग हुआ करते थे, और कहा जाता था ये लोग फेस में काले हुआ करते थे, ये लोग एज अ सर्वेंट काम किया करते थे, इनके अंडर मतलब वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के अंडर ये दासी पानी के जो कैटेगरी के जो लोग थे ये लोग इनके अंडर काम किया करते थे, और ये लोग वर्णा सिस्टम में नहीं इंक्लूड इन लोग को किया कर जाता था, इन लोग को अलग इंक्लूड करना वर्णा सिस्टम में को इंक्लूड नहीं किया जाता था। तो इस तरीके का सोसाइटी वहां पर वैदिक एज में इस तरीके का सोसाइटी वहां पर डेवलप हो चुका था। इसका सोसाइटी के साथ साथ अब इस सोसाइटी में वुमेन का क्या सिचुएशन था, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ वुमेन इन द अर्ली वैदिक एज, वुमेन कंडीशन कैसा था अभी के हिसाब से अगर तुम देखोगे तो वहां पे भी वैदिक एज में भी बताया जाता है कि वोमेन का कंडीशन बहुत अच्छा था, क्योंकि वोमेन्स वेयर अलाउड टू एजुकेशन, वहां पर ये पता चलता है, बताता है ऋग्वेद दैट वोमेन्स वेयर अलाउड टू एजुकेट, वहां पे उन लोगों को फ्रीडम था नॉलेज गेन करने के लिए, पढ़ने के लिए। लेकिन फिर यही तुम आगे देखो कि लेटर वैदिक एज आते आते ये चीज फ्रीडम हट जाता है। उसके बाद यहाँ पे और देखोगे कि जो औरतें थे उन्हें अपने जीवन साथी चुनने का भी फ्रीडम था, जिसको कि स्वयंवर कहा जाता है। तो स्वयंवर में वो लोग अपने हिसाब से अपने मन से अपने जीवन साथी को भी चुनने का उन लोगों को परमिशन था। इसमें एजुकेटेड करने का भी बताया गया है, और साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि वुमेन्स वेयर अलाउड टू टेक पार्टिसिपेट इन द रिचुअल्स सेरेमनी, जो भी एक्टिविटी सेरेमनी जो होता था, फेस्टिवल्स हुआ करते थे, जो भी रिचुअल्स यज्ञ हवन जो भी, जैसे में स्वयंवर हो गया, यज्ञ हो गया, हवन हो गया, इस सभी रिचुअल्स में वुमेन्स वेयर अलाउड टू टेक पार्टिसिपेट। तो ये कहा जा सकता है कि अर्ली वैदिक एज में द सिचुएशन ऑफ वुमेन वॉज वेरी गुड, उस टाइम बहुत अच्छा सिचुएशन था, लोग वुमेन्स को पढ़ने का आजादी था, तो ये चीज वहां पे डेवलप था, लोग भी इतना डेवलपमेंट मानसिक डेवलपमेंट था, तो द कंडीशन ऑफ द वुमेन वाज गुड। अब यहाँ पे देखते व्हाट वाज द फूड हैबिट्स, ऋग्वेद में हम लोग क्या बताता है फूड हैबिट्स, क्या किस तरीके का जो अर्ली वैदिक एज के लोगों का फूड हैबिट कैसा बताता है, यहाँ पे बताता है कि एग्रीकल्चर वॉज नॉट सो डेवलप्ड, अर्ली वैदिक एज में एग्रीकल्चर नहीं बहुत डेवलप्ड, क्यों, बिकॉज द आयरन वॉज नॉट सो, आयरन अभी तक यहाँ पे पता नहीं चला था, आयरन इज नॉट फाउंड, अभी तक आयरन नहीं मिला है नॉर्थ के साइड में, और इस कारण जब आयरन नहीं मिला है, तो जब आयरन नहीं है तो टूल्स नहीं बना है, जब टूल्स नहीं बना है तो एग्रीकल्चर नहीं होगा, इसके कारण से लोग बहुत लिमिटेड ही अपने फूड हैबिट को रखे हैं, मेनली लोग क्या खाते थे, मेनली ये लोग फ्रूट्स खाते थे, जंगल से फ्रूट्स वगैरह का, बाली के बारे में बताया गया है कि बाली वगैरह खाते थे, और इन लोगों का फूड हैबिट्स बहुत लिमिटेड था, क्योंकि एग्रीकल्चर डेवलप बहुत ज्यादा नहीं होता, फ्रूट्स कंज्यूम करते थे, बाली कंज्यूम करते थे, और ड्रिंक के बारे में एक बहुत फेमस ड्रिंक के बारे में, इसके बारे में बहुत सारे पोएम कविता में बताया गया है, सोमरस ड्रिंक किया करते थे, सोमरस ड्रिंक किया करते थे। तो इस तरीके से इसमें बताया, इसके आगे आगे हम और देखते हैं कि व्हाट वाज द इकोनॉमिकल कंडीशन, है इकोनॉमिकल कंडीशन क्या था अर्ली वैदिक एज के बारे में, इकोनॉमिकल कंडीशन क्या था। तो यहाँ पे जैसे कि तुम देख चुके हो कि एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा डेवलप नहीं है, तो यहाँ पे इकोनॉमिकल डेवलपमेंट भी बहुत ज्यादा नहीं है, यहाँ पे मेनली जो था वो कैटल रियरिंग, कैटल बेस्ड इकोनॉमिकल बेस्ड था, यहाँ पे कैटल बेस्ड इकोनॉमिकल ज्यादा था, कैटल रियरिंग यहाँ पर ज्यादा हुआ करता था, इसको
economical was based on the cattle rearing, wealth was estimated in terms of their cattle. किसके पास कितना ज्यादा कैटल है इसके हिसाब से उसके वेल्थ और उसके स्टेटस को उसके पोजिशन को लोग कंसिडर करते थे. मतलब कह सकते हो कि वैदिक अर्ली वैदिक एज में कैटल बहुत महत्व रखता था. यहाँ पे बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस कॉ को बहुत इम्पोर्टेंस दिया गया है. अर्ली वैदिक एज में कॉ को बहुत इम्पोर्टेंस दिया गया है. इसको लोग पूछते थे, वर्शिप करते थे. और ये भी कहा जाता था जिसके पास जितना कैटल है गाय है वो उतना ही ज्यादा रिच अमीर हुआ करता था. और गौ को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया. जैसे आज भी हम लोग गौ पूजा को इंपॉर्टेंस देते हैं तो ये आज से नहीं, ये वैदिक एज से. ये ऋग्वेद हमें बताता है कि गौ गौ का कितना महत्व था. बहुत ज्यादा महत्व था. कौ को लोग पूजा करते थे, वर्शिप करते थे. इसका रिलीजियस कंडीशन क्या था, जैसा कि हम लोग देखे थे इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी हम लोग देखे थे कि वहां पर रिलीजियस लोग एक्टिविटी किया करते थे. आइडल वर्शिप, पशुपति का हम लोग स्टैचू मिला था, टेराकोटा गॉडेस का स्टैचू मिला था, जो बताता है कि इंडस वैली लोग भी रिलीजियस एक्टिविटीज को किया करते थे. उसी तरीके से अर्ली वैदिक एज में भी लोग रिलीजियस सेरेमनी को फॉलो करते थे. पर यहाँ पर अर्ली वैदिक एज में मेनली जो यहाँ पर रिलीजियस एक्टिविटीज रिलेटेड है वो नेचर से रिलेटेड एक्टिविटीज हुआ करता था. मेनली नेचर से रिलेटेड एक्टिविटीज यहाँ पे लोग वर्शिप किया करते थे. जैसे कि पंच तत्व जिसको हम लोग कहते हैं, जैसे कि अर्थ है, अर्थ पंच तत्व अर्थ है, जिसको कि इन लोग पृथ्वी अर्थ हो गया. उसके बाद फिर इसका अर्थ हो, उसके बाद फिर ये फायर अग्नि के रूप में ये लोग पूजा करते थे. नेचर का इस तरीके का पूजा करते थे. रेन जो होता था इसको वरुण के रूप में पूजा करते थे. जो विंड होता था, विंड इसको वायु के रूप में ये लोग पूजा करते थे. थंडर जो सबसे इम्पोर्टेंट हीरो का, ये इंद्र जिसको सबसे इम्पोर्टेंट का इम्पोर्टेंट इनको स्थान दिया गया है, इंद्र के नाम पे इनको पूजा गया है. इस तरीके से यहाँ पर पांच पंचतंत्र, ये जो नेचर था, ये नेचुरल लोगों का पूजा करते थे. अर्ली वैदिक एज में ये बताया गया है कि द पीपल यूज टू वर्शिप द नेचर. पंचतंत्र का पृथ्वी अग्नि वायु वरुण इंद्र, और ये सभी में जो इंद्र भगवान थे इनके सबसे ज्यादा ऊंचा स्थान था, क्योंकि इन्हीं की आराधना से बारिश होती थी. और जब बारिश होती थी तो उन लोगों को एग्रीकल्चर या फिर जो भी खाने पीने का चीज हो, रेन बेस्ड नहीं होता था. इस कारण से इंद्र को बहुत ज्यादा ही स्थान दिया गया था. इस टाइम तक के तुम रिलीजियस में देखोगे यहाँ पर आइडल वर्शिप नहीं हुआ है. ये देख भी बताता है कि आइडल वर्शिप यहाँ पर नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई स्टैचू कोई नहीं मिला. हम लोग को यहाँ पे टेम्पल भी कई एक भी यहाँ पे टेम्पल भी डेवलप नहीं हुआ है. तो ये बताता है कि अर्ली वैदिक एज में लोग नेचर वर्शिपर थे, नेचर को वर्शिप करते थे, पंचतंत्र को वर्शिप करते थे, पृथ्वी अग्नि वरुण वायु और इंद्र को वर्शिप करते थे. यहाँ पे कोई मूर्ति पूजा नहीं बताया गया, यहाँ पे कोई टेम्पल नहीं बताया गया है. तो इस तरीके से बस ये बिल्कुल नेचर से रिलेटेड ही सारा एक्टिविटीज किया करते थे. पीपल वर्शिप टू कैटल. और ये भी बताया, जैसे भी बताएं कि लोग गौ का पूजा करते थे, कैटल का पूजा करते थे. तो इस वीडियो में हम आज बस अभी अर्ली वैदिक एज यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं. आगे की वीडियो में हम लेटर वैदिक एज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. ओके, थैंक यू.